हम सब में ईश्वर एक है, पर एक ईश्वर के इतर जो कुछ हम में है वो भिन्न है, वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कुछ चीजें मिल सकती हैं, रूप राशि, कुछ गुण, कुछ संस्कार, कोई आकृति, कुछ थोड़ा सा रक्त, मज्जा, मांस, मेद, रुधिर, वीर के कुछ कणों और उनके संगठनों में से, उनके भीतर के और तंतुओं में भीतर जाकर हम कोई एक गुणसूत्र, गुणसूत्र माने डीएनए, कहीं गुणसूत्र के आधार पर कोई एक पहचान हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई पहचान नहीं होती, फिर कोई एक अलग बिल्कुल भिन्न कोई चीज दिखाई देती है। तो चलेंगे कथा में, कहीं बल्लभ का माधुर्य लेंगे, कहीं भगवान शंकराचार्य के ब्रह्म के निकट, और कहीं नामदेव का विठला, नानक का नूर, और सहजो, पलटू, दादू, रामानुज, मध्व, उन सभी आचार्य ऋषि मुनियों का आश्रय लेकर, कोई एक अवलंब लेकर। यह सच है कि जब महापुरुषों का अवलंब लिया जाता है तो मार्ग स्पष्ट हो जाता है, प्रखरता आती है, क्योंकि उसके लिए ये उपदेश दिया गया, महाजनो येन गत सपन्था, चलें तो किस मार्ग पर चलें, किस ढंग से चलें, महाजनो येन गत सपन्था, जिधर से महापुरुष गए हैं उधर से चलें। इसलिए वही मार्ग अपनाना चाहिए जो वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत हो, महाजन द्वारा आचरित हो, सत्पुरुषों के द्वारा सम्मत हो, और गुरु द्वारा उपदेशित हो। कोई ऐसा मार्ग न चुन लें हम जो शास्त्र सम्मत न हो, वेद विहित न हो, महाजन द्वारा आचरित न हो, ऐसा मार्ग न चुने, फिर वो स्वतंत्रता होगी, वो फिर स्वेराचार होगा, जिसमें पदे पदे सिद्धांत हो, पदे पदे मूल्य आपके सामने हो, पदे पदे हर पग और डग पर आदर्श हो, जो नीतियों के साथ हो, वो मार्ग बड़ा सुंदर और समाधानकारक मार्ग होता है, उसी मार्ग पर लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। ऐसा मार्ग चुन लें जहां सिद्धांत नहीं, मूल्य नहीं, नीतियां नहीं, नियम नहीं, शास्त्र सम्मत नहीं, वेद विहित नहीं, जिस पर कोई कभी नहीं चला है, तो वो कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा। ऐसे रास्ते पर कभी कोई नहीं चला, जिस पर कोई न पहुंचा हो, हम वही मार्ग चुनते हैं जिस पर चलकर कोई पहुंचा हो, जिस पर कभी कोई नहीं चला है, अपनी ओर से कभी कोई नहीं चला, लेकिन जो चले हैं उन्हें महाजन कहते हैं, महाजनो येन गत सपन्था। इसलिए गिरिकंदराओं में, हेमोपत्यकाओं में बैठे हुए ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए आचार्यों का ध्यान करते हुए कथा में उस मार्ग को लेते हैं जो सही मार्ग है। कोई कहते हैं कि वो आनंद का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, सहज मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, कर्म का मार्ग है। कोई कहते हैं वो तो आत्म मार्ग है, अपनी ओर लाता है। वेद का ऐसा ही कहना है कि ऐसा मार्ग चुनना जो पहले आप से मिलवाए आपको, फिर आप चल पाए। सस्तु एक फिर चलना ही नहीं होगा। एक बार स्वभाव में लौटे, एक बार अस्तित्व में, अपने स्वरूप में, और उसके बाद पाएंगे कि वही मंजिल है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। इस कथा का फल क्या है? स्वभाव में लौटना, स्वभाव में, अपने आप में।
भगवान मिल भी गए तो क्या होगा? उन्होंने स्वयं कहा कि मेरा जो फल है, मिलने का फल, मेरे मिल जाने के बाद के जो परिणाम है, मेरे मिल जाने के बाद की जो अवस्था है, मेरे मिल जाने के बाद जो एक गति होती है जीव की, वो बड़ी अद्भुत गति होती है। कल्पना करो भगवान मिल गए तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा है कि मैं, कल्पना करो पूरा पूरा मिल गया किसी को, जैसा मैं हूं वैसा ही मैं उसे उपलब्ध हो गया तो क्या होगा? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा। जो मेरे दर्शनों का फल है वो बड़ा अनूप है। मम दर्शन फल परम अनूपा, भगवान कहते हैं अगर मैं पूरा किसी को मिल गया, पूरा पूरा जैसा मैं हूं, मेरी सत्यता, मेरा यथार्थ, मेरी वास्तविकता, मेरी संपूर्णता, जो मैं स्वयं हूं, वो पूरा अगर मैं किसी को प्राप्त हो गया तो क्या होगा? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो सहज हो जाएगा, आनंदित होगा, अभाव नहीं रहेंगे, अभाव नहीं रहेंगे। क्योंकि भगवान के मिल जाने के बाद ही अभाव दूर होते हैं, और जब तक परमात्मा नहीं मिला है तब तक तृप्ति नहीं होगी। हां, कुछ तुष्टि पुष्टि संतुष्टि हो जाएगी सिद्धि के मिल जाने के बाद, प्रसिद्धि पालने के बाद, सत्ता मिल जाने के बाद, उच्च पद की प्राप्ति के बाद, रूप स्वरूप सौंदर्य और ऐश्वर्य मिल जाने के बाद, कोई भूमि विस्तार, बड़ा वाहन, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, पदार्थों की प्रचुरता, एक कोई बड़ा आकर्षण, और समुचित धरती पर जय 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 जयकार, और स्वर्ग में भी आपकी अनुगूंज और वहां आपके अभिनंदन, आपके अभाव दूर नहीं कर सकते। हो सकता है कि स्वर्ग में भी कोई गूंज पहुंचे, इस धरती पर, इस पूरी धरा पर आपकी धूम हो जाए, कीर्ति अक्षण हो जाए, स्वर्ग के सारे सुख आपके अधीन हो, फिर भी एक अधूरा पंसा रहता है। तो भगवान के मिल जाने के बाद क्या होता है? कहते हैं अधूरापन चला जाता है। जगत किसे कहेंगे? अधूरा है जगत। जगत का नाम, संसार का नाम है जिसमें अपूर्णता है, अधूरापन है, जो भी पूरा नहीं बना है, जगत अभी अधूरा है। तो जगत के जितने पदार्थ हैं, यहां की जितनी वस्तुएं हैं, वो सब मिल जाएं, फिर भी पूरापन नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी, अभाव बने रहेंगे। तो जो आपके भीतर के अभाव को दूर कर दे, उसे भगवान कहते हैं। और वो अलग 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 रूपों में भक्त को मिलते हैं, क्योंकि वो यहीं पर हैं, अनेक रूपों में। सत्पुरुषों का ऐसा मानना है कि भगवान की बड़ी प्रतिमाएं, उनके अनेक अवतार, उनके अनेक रूप, पर एक उनका बड़ा सहज स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप, वांग्मय रूप, एक शब्द रूप, आखर रूप, अक्षर रूप में, शब्द रूप में। तो कोई मुझसे पूछे कि भागवत क्या है, तो सत्पुरुषों का ऐसा कहना है कि भागवत भगवान का आखर रूप है, वांग्मयी काया है। तो जो आपके सामने विद्यमान है यहां, वो भगवान भागवत रूप में, अक्षर रूप में विद्यमान है। एक रूप भगवान का अक्षर रूप है। ये जैसे अक्षर हैं, ये जैसे शब्द हैं, जैसे औषधि को छूने से रोग नहीं जाएगा, उसके सेवन की विधि है। शहद को छूने से माधुर्य नहीं अनुभव होगा। आप शहद छूएं और कहें हमें मीठा नहीं लग रहा है, शहद को छूने की विधि है। शहद आपकी तर्जनी से जिह्वा के अग्रभाग पर रखा जाए, और ऐसे शहद की विधि है सेवन की। शहद जिह्वा के अग्रभाग को छूना चाहिए। शहद तर्जनी से छुआ जाता है, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका और अंगुष्ठ से नहीं। शहद को
केवल तर्जनी के इस हिस्से से, ये तर्जनी का जो अगला हिस्सा है, तर्जनी से शहद का स्पर्श करें और जिह्वा के अग्रभाग पर रखें। ये विधि है शहद लेने की, नन्ही सी एक बूंद, फिर दूसरी और तीसरी, फिर वो शहद पूरी औषधि है। उसकी एक विधि है शहद के लेने की, तर्जनी से जिह्वा के अग्रभाग पर जैसे शहद रखेंगे और पूरा घुल जाए आपकी जिह्वा के रस और स्लाइवा के साथ, आपको पता ना लगे कब उधर में वो सरक गया, वो नन्ना सा कर्ण, वो पूरी तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ कर देता है इतना सा शहद। उसकी एक विधि है, उसे चाटा जाता है, पिया नहीं जाता शहद। कुछ औषधियां ली जाती हैं, जल छूकर प्यास नहीं मिटाएगा, भोजन आपने छू लिया और उससे क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी, बल वृद्धि नहीं होगी। भोजन छूने से आपके भीतर की क्षुधा या भूख नहीं मिटाएगा, जल छू लिया आपने आपकी प्यास नहीं मिटेगी। ठीक वैसे ही भागवत आपके कानों में पड़े केवल उससे कल्याण नहीं होगा, वो अंतरंग वो आपके आपके भीतर जाए, वो चरित्र बने, स्वभाव बने, जीवन बने, वो आपके मन प्राण चित्त चेतना में सकल अंतःकरण में से होते हुए वो आपके स्वभाव में आए। जैसे मैंने फिर कहने का मन बनाया है कि जल छूने से प्यास नहीं मिटेगी, भोजन छूने से भूख नहीं मिटेगी, उसकी विधि है ग्रहण करने की। ठीक वैसे ही भागवत की विधि है श्रवण करने की, वो केवल कान में न जाए, वो पूरे अंतःकरण से होते हुए आपके स्वभाव में एकाकार हो, और जैसे स्वभाव में भागवत गई आप स्वयं भागवत हो जाएंगे, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये भागवत का परिणाम है। वो आपको अपना जैसा बना लेती है। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, कई जन्मों के जब पुण्य जगते हैं तब व्यक्ति भागवत के निकट जाता है और फिर वैसा ही हो जाता है, तुम्हें जान तुम्हें हुई जाए, ये अपने जैसा बना लेते। तो भागवत का अर्थ है कि वो आपके अंतःकरण में जाए, मन बुद्धि चित्त चेतना में, स्वभाव में, प्रकृति में, इसका एक एक द्रव्य गुण, और ये आप में प्रकट हो। आद्य वक्ता भागवत जो साक्षी है, देव साक्षी, युग साक्षी, कर्म साक्षी, काल साक्षी, अरे कमाल है, कहते ईश साक्षी, कोई ईश्वर का भी गवाह होता है। शिव के लिए कहा गया है, सदाशिव के लिए, महादेव के लिए कहा गया है, शिव शक्ता युक्तो यदि भवति प्रभुतुम, वो शिव महाशिव, उसके लिए कहा गया, वो देव साक्षी है, कर्म साक्षी है, काल साक्षी है और ईश साक्षी है, वो ईश्वर का भी गवाह है, ईश्वर के होने से पहले वो था। और एक और नाम है उनका, स्वयं साक्षी, वो अपना भी गवाह है। ये जितने जो हुए बड़े बड़े देवता, काल, कर्म और ईश्वर, ईश साक्षी, वो ईश्वर का भी गवाह है। जब सृष्टि का उत्पादन, यहां कोई सृजन, कोई एक अणु का विस्फोट, महाविस्फोट जब हुआ, विज्ञान यही कहता है, हमारा वेद भी यही कहता है, एक अणु में भयानक कोई विस्फोट हुआ, उसी में से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और एक नन्हे से वाष्प कण के करोड़वें हिस्से का एक कोई एक नन्ना सा धूल कण, एक नन्ना सा धूल कण जो न दिखाई दे नग्न आंखों से, उसके करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों हिस्से का एक कोई धूल का एक डस्ट का स्मॉल पार्टिकल, अरबों खरबों हिस्से में उसे बांट दें, उससे भी कहीं एक नन्ना, उसमें से सृष्टि बनी। वटस्य पत्रे पुटे शयानम बालम मुकुंदम, वटस्य पत्रे
भुटे शयानम। मार्कंडे ने देखा कि वो छोटा सा नन्ना सा अबोध शिशु बना हुआ वटस्य पत्रे, लेकिन उससे पहले जब शिव का तृतीय नेत्र उसमें किंचित कंपन होता है, संपूर्ण दिशाएं धरती अंबर अग्नि जलवायु एक नन्ना 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 छोटा सा एक वाष्पकण, एक नन्ना सा वाष्प माने वाष्प, अरे भाप, भाप के भी कोई कण होते हैं क्या? भाप का तो कोई कण नहीं होता, उसमें से भी एक हकर खरबों का एक नन्ना सा हिस्सा, उसमें से कई ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। वो उसका वो साक्षी था उस समय, उसका साक्षी था, उसका गवाह था वो, देव साक्षी, कर्म साक्षी और ईश साक्षी, ईश्वर का गवाह, और कहते हैं स्वयं साक्षी, अमरता का वो साक्षी है, अमरता का। भाग्यशाली हैं आज के वैज्ञानिक, और उनसे अधिक हम भाग्यशाली हैं कि उनके मुख से कम एक बात तो निकली कि कोई गॉड पार्टिकल होता है। वो तो कितने भाग्यशाली हैं, राम जाने हम बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने रहते रहते हमने उनकी जिभ्या से सुन लिया, विज्ञान के गलियारों से एक बात चलकर आई कि कोई भगवत्ता है और उसका तत्व भी है, भगवत्ता का एक बात तो स्वीकार की उन्होंने कि भगवत्ता का कोई तत्व है, गॉड पार्टिकल, ईश्वर का कोई तत्व है। और कभी वो और आगे सर के तो बताएंगे कि वो तत्व रहित है, वो और सूक्ष्म तत्व है, वो कल्पनाओं से परे है, जो वर्णन नहीं किया जा सकता, अकथनीय है, अलभ्य है, वो जाना नहीं जा सकता, वो दुष्प्राप्य है, वो है। अरे विज्ञान तो संवेदांगों के आधार पर कोई चीज बताता है जो देखी जा सके, सुनी जा सके, चखी जा सके, छुई जा सके, पर वो तो और परे की चीज है। अमरत्व ये हमारी स्वाभाविक मांग है, अमरत्व यहां रहना चाहते हम, जी जी विशा ये पहली कामना है, ये पहली वासना है, अमरत्व, नित्यत्व, नित्य रहना, सुख सम्मान के साथ, सुंदरता के साथ, ऐश्वर्य विभूति के साथ, जय जयकार के साथ, मनमाने जो हमारे पदार्थ हैं, अभिलषित और आकांक्षित पदार्थ, उनकी पूर्ति प्रयोजन के साथ अमरत्व। तो बहुत पुरानी बात, वो अमरता का स्वामी, कोई भेद खोलता है ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं, कथा उन्होंने पहले कही, भगवान शिव ने। गुरुजनों को, गणेश को प्रणाम करते हुए मैं शिव के उस सत्य को ध्यान में रखते हुए प्रणाम करता हूं। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः। सौमार्द धारणे, जो सौम को धारण करता है, सौम माने अमृत, जो अमृत का देवता है, पर उसकी एक शर्त है सुनने की। शिव कथा कहें भले ही वो सती को सुनाए, पर श्रोता और वक्ता में एकात्मता हो, श्रोता वक्ता एक धरातल पर हो, उनकी चेतना में एकीकरण होना चाहिए।